कैसे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया बाय द एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश, बिकॉज उनको नफरत फैलानी थी हिंदू मुसलमानों मुगलों के बारे में। देखिए अभी हाल में मैंने पढ़ा कि आपकी NCERT ने कुछ चैप्टर हटा दिए मुगल हिस्ट्री के, और मुगल गार्डन्स का नाम हटा के उसका अमृत उद्यान कर दिया, जैसे मुगल बिल्कुल जालिम थे। देखिए ये कहना कि हिंदुस्तान गुलाम था मुगल शासन में बिल्कुल झूठ है। मुगल बाबर फॉरनर था, मगर अकबर हुमायूं तो भागता दौड़ता रहा, उसको भागना पड़ा, शेरशाह सूरी ने भगा दिया ये वो, मगर वो अकबर से रैली शुरू हुआ जो स्टेबल मुगल गवर्नमेंट। तो जस्ट बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम आप कहिए कि फॉरनर था, ये क्या बात हुई? बाबर उसका दादा फॉरनर था, आया था, मगर हम लोग भी फॉरनर एक तरीके से सब, क्योंकि मैंने बताया ना कंट्री ऑफ इमिग्रेंट, हमारे भी पूर्वज आते कभी ना कभी। सवाल ये कि वो क्या जनता के लिए काम करता था कि जनता पे जुल्म करता था? हकीकत यह है मुगल रूल में इंडिया बिकेम वेरी प्रॉस्परस, सोने की चिड़िया मानी जाती थी। वो सिर्फ मुस्लिम नहीं प्रॉस्पर किए, हिंदू भी प्रॉस्पर किए, और ये इस पे तमाम मेरा आर्टिकल भी है, आप टाइप करिएगा गूगल में जस्टिस काटजू मुगल रूल बेनिफिटेड इंडिया। ड्यूरिंग मुगल रूल हमारी दुनिया की 25% वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड वॉज इन इंडिया, एंड वी हैड 25% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। बहुत यहाँ से माल जाल, बड़ा प्रॉस्परस कंट्री हो गया था अंडर मुगल रूल। उस वो हिंदूज भी बेनिफिट किए थे, नॉट दैट ओनली मुस्लिम बेनिफिट। वो तो अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी स्मैश कर दी। एक मेरा आर्टिकल पढ़िएगा, वो भी गूगल पे जाइएगा जस्टिस काटजू, डिनर एट द जर्मन एम्बेसी, ये इसका नाम है, ये पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया कि यहाँ बड़ी मैसिव हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, मिल इंडस्ट्री नहीं थी, हैंडीक्राफ्ट बहुत, और यहाँ का माल बहुत, जैसे ढाका मलमल और मुर्शिदाबाद सिल्क, साउथ इंडिया से स्पाइसेस बहुत ज्यादा था। वो सब अंग्रेज आए, उन्होंने सारा स्मैश कर दिया, बिकॉज दे वॉन्टेड टू कैप्चर द इंडियन मार्केट फॉर देयर ओन इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, बड़ी हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई कि ताकि इंडिया से माल बाहर न जा सके, और ऑलमोस्ट निल इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी ताकि उनकी फैक्ट्रीज लैंकाशायर मिल्स वगैरह की सारा माल फ्लड आ जाए यहाँ पे। तो दे डिस्ट्रॉयड आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और यहाँ जो इतना प्रॉस्परस कंट्री था, इट बिकेम अ कंट्री ऑफ बेगर्स एंड क्रिमिनल्स फ्रॉम 25% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP वेंट डाउन टू 2%। इतना गरीब मुल्क हो गया। तो अंग्रेजों ने जुल्म किया, मुगलों ने नहीं किया, मगर ये झूठा प्रचार किया गया कि क्योंकि भाई अगर आपको मुसलमानों से नफरत है तो फिर आप मुगलों से भी नफरत करेंगे, क्योंकि मगर मुगल ऐसे वो बिगटेड मुस्लिम नहीं थे, दे वर द टॉलरेंट टाइप। देखिए जहर बोते गए बोते 1857, दैट इज द वॉटरशेड। उसके बाद करते गए करते वो अल्टीमेटली ये पार्टीशन हुआ 1947 का सेपरेट। देखिए ये पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, इट इज अ फेक कंट्री, आर्टिफिशियल कंट्री है, और फिर से रियोनाइट होगा इंडिया में। पाकिस्तान क्या है, इट इज पंजाब, इट इज सिंध, इट इज बलूचिस्तान फ्रंटियर, दिस वॉज ऑल पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम मुगल टाइम्स, हम लोग एक थे। हम लोग, अब मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनसे मैं व्हाट्सअप पे या स्काइप पे बात करता हूँ, हिंदुस्तानी में बात करता हूँ, कॉमन लैंग्वेज। देखिए कल्चर इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर लैंग्वेज पे मबनी है, नॉट ऑन रिलीजन। तो हम लोग का एक तरीके से लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉट एंटायर बट लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया में हिंदुस्तानी खड़ी बोली ये है हमारी मुल्क की भाषा, नॉट ओनली इन द हिंदी स्पीकिंग एरियाज बट इवन इन द, मेरा, मैं सुप्रीम कोर्ट में जज था तो मेरे साथ बैठते थे जस्टिस HK सीमा, नागा थे, मुझसे सीनियर थे, हम लोग एक साथ टू जज बेंच में बहुत कई महीने तक बैठे। वो मुझसे हिंदुस्तानी में बात करते, सारे नागा हिंदुस्तानी भी, अपनी नागा भाषा भी है, वहाँ 18 भाषाएं हैं नागाओं की, मगर सब हिंदुस्तानी भी हैं।
ये सरल हिंदी को हिंदुस्तानी कहते हैं, और पंजाबी सब हिंदी बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, इवन बंगाली वगैरह। तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की भाषा है विच यूनाइट्स अस। और ये पाकिस्तान जो बिल्कुल फेक, देखिए पूरा खेल तो क्यों बनाया अंग्रेजों ने पाकिस्तान, पूरा खेल बड़ा सिंपल अंडरस्टैंड करने की बात है कि द होल एम वॉज इंडिया शुड नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट जिसका इट हैज ऑल द पोटेंशियल बिकॉज वी हैव थाउजेंड ऑफ वेरी ब्राइट इंजीनियर्स एंड वी हैव इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज। हम 15-20 साल में वी कैन बिकम लाइक अमेरिका और यूरोप, मगर अगर हो जाएंगे देन विद अ चीप लेबर वी विल सेल आवर गुड्स एट अ चीपर प्राइस, तो इनकी इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिशन नहीं फेस कर पाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगे। तो इसलिए वो आसानी से हम लोग को यूनाइट नहीं होने देंगे। और क्या तरीका है हमको डिवाइडेड रखने का कि हिंदू मुसलमान को लड़वाओ और कास्ट और लैंग्वेज ये सब चीज़ों पे, इन सब बेसिस पे लड़वाओ। तो मैंने कहा ना कि देखिए बिकॉज दिस इज अ कंट्री ब्रॉडली ऑफ इमिग्रेंट्स, एक ही तरीका है इसको चलाने का कि सबको साथ लेके चलो, गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू पीपल ऑल रिलीजन ऑल लैंग्वेजेस ऑल प्लेसेस, वरना ये मुल्क चल नहीं सकता है भाई। इतनी इतनी डाइवर्सिटी है इसमें, इतने कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन हैं, आप कैसे चलाएंगे? अब मुसलमानों से नफरत करके तो चल नहीं सकता है मुल्क, कुछ दिन तो आप चला लें, ज़्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसका वेरी आइडेंटिटी ऑफ इंडिया इज दैट इट इज अ प्लूरलिस्टिक कंट्री। आई टोल्ड यू कि दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू चाइना, वहाँ ब्रॉडली होमोजेनिटी है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। और डाइवर्सिटी इसलिए क्योंकि वी आर अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, तो लिहाजा ये सब जो पॉलिसीज हैं, मुस्लिम्स पे जुल्म होता है कई थी, अपार्ट फ्रॉम लिंचिंग एंड बीटिंग Somebody who does not say Jai Shri Ram, कई तरीके। देखिए हम आपको एक एक एग्जाम्पल दें क्या होता है, क्योंकि मैं जुडिशरी से कनेक्टेड हूँ उनका। कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इंडिया में, अब पुलिस पे प्रेशर है कि भाई अरेस्ट करो कल्प्रिट्स को, जो जो भी गुनाहगार है उनको पकड़ो। अब देखिए पुलिस को पकड़ना आता ही नहीं है, क्योंकि देखिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज अ साइंस। अगर आपने जैसे शेरलॉक होम्स की कहानियाँ पढ़ी, पता नहीं पढ़ी है कि नहीं, उसमें आप देखते हैं कैसे शेरलॉक होम्स साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करता है क्राइम को। या अगर आप यूट्यूब में देखिए, बहुत सारे सीरीज चलते हैं यूट्यूब में अमेरिका में, क्राइम FBI फाइल या ट्रू क्राइम के नाम से बहुत सारी यूट्यूब में सीरीज चलती हैं, कैसे क्राइम सॉल्व होता है अमेरिका में, कि वो पुलिस जाता है ऑन द स्पॉट ऑफ द क्राइम, वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिंगरप्रिंट्स, एशेज, फाइबर्स, ब्लड स्टेन्स, स्पेंट कार्ट्रिजेस वगैरह, और फिर ये सब को ले जाके लेबोरेटरीज में जहाँ DNA टेस्टिंग होती है, या फिंगरप्रिंट्स मिल गए तो एक नेशनल डेटाबेस है कि नॉन क्रिमिनल्स का, उसमें फीड इन कर, इस तरीके से क्राइम सॉल्व होता है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी पुलिस को ये ना ट्रेनिंग है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, ना इक्विपमेंट, साइंटिफिक इक्विपमेंट दिया जाता है, मगर प्रेशर है कि सॉल्व करो। अच्छा, असल कल्प्रिट्स को कभी पकड़ नहीं पाए पाते हैं हमारी पुलिस, मगर प्रेशर है कि पकड़ो नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, दरोगा जी प्रेशर डालते हैं नेता कि तुम सॉल्व करो। अब क्या करे बेचारा, एक ही तरीका है कि कुछ मुसलमानों को पकड़ लो और फिर झूठा एविडेंस मैन्युफैक्चर करो कि ये मुसलमान ही हैं जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, फैनेटिक्स होते हैं। कोई यंग मुस्लिम, एक केरल का पीछा था अब्दुल नासिर मदनी, उसके लिए मैंने भी कैंपेन की, जब वेरी वॉज यंग पर्सन, रिलीजियस क्लेरिक था उस, ये लोग मानिए आपने गरम गरम भाषण दे दिया किसी मीटिंग में कि बड़ा मुसलमानों पे जुल्म होता, तो वो
सीआईडी वाला प्लेन क्लोज में आपका नाम नोट कर लिया डायरी में, और जब कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इसी ने किया है, तो वो बेचारे को पकड़े। अब्दुल हसन मदनी को 1998 में अरेस्ट किया इन कनेक्शन विद द कोयम्बटोर बॉम्ब ब्लास्ट। कोयम्बटोर बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो कुछ लोग मर वर गए तमिलनाडु, इनको भी पकड़ लिया गया। 9 साल के बाद 2007 में कोर्ट ने कहा बेगुनाह है, मगर 9 साल इन्होंने बिता लिए थे जेल में, बेल मिलती नहीं है, बेल के लिए अप्लाई करिए तो सरकारी वकील करता रहे ये तो बड़ा टेररिस्ट है, तो भाई बेल खारिज, और केस डिसाइड होने में सालों लग जाते हैं। 2007 में 9 साल के बाद केस डिसाइड हुआ, ही वो डिक्लेयर्ड इनोसेंट, मगर 9 साल काट लिए थे। 3 साल के बाद 2010 में बेंगलोर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें भी ये इम्प्लिकेट कर दिया गया है। और ये 2010 से 2023 साल तक जेल में रहे, और अब शायद हाउस अरेस्ट में, जेल से तो जाने दिया मगर हाउस अरेस्ट में, केस कोई तय नहीं हो पा रहा, अभी भी केस चल रहा है। केसेस टेक इयर्स एंड इयर्स टू डिसाइड, हमारी बड़ी स्लो जुडिशरी फंक्शन करती है, और इस बीच में आप जेल में रहिए क्योंकि बेल आपको मिलेगी नहीं। तो असल जो गुनाहगार है कल्प्रेट, उसको तो पुलिस पकड़ नहीं पाती क्योंकि आते ही नहीं पकड़ना, मगर क्या करें, दिखाना है कि हमने कुछ एक्शन लिया, वो मुसलमान को पकड़ो, मुसलमान सारे होते हैं टेररिस्ट और फैनेटिक्स, यही होते हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है बम फेंकने के अलावा। आप समझिए उमर खालिद JNU का PhD फ्रॉम JNU, यानी वेरी हाईली एजुकेटेड, सालों से जेल में पड़ा हुआ है। एक डॉक्टर खफील खान से, गोरखपुर के डॉक्टर थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गोरखपुर में काम करते थे, इतने अच्छे आदमी थे कि जो गरीब आता था पेशेंट, उसको अपने जेब से पैसा देते थे अगर उसके पास पैसा ना हो दवा के लिए, मरीज को खुद पैसा देते थे अगर। अच्छा, वहाँ क्या हुआ, उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई, इन्होंने कई खत लिखे गवर्नमेंट को कि साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि साहब हमें सप्लाई करिए या हम ज़रूरी, कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत सारे लोग मर गए बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, इनको पकड़ लिया गया, कितने महीनों, आई डोंट नो हाउ, 8 महीने 10 महीने जेल में रखा, तब जाके बेल हुई। फिर वो उन्होंने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ कहीं स्पीच दे दी थी, फिर पकड़ लिया, तो मुसलमान हो तो यही है, समझे। तो लिहाजा ये कहने का मतलब कि देखिए, अब ये क्या मुसलमानों को नहीं समझ में आती बात, और बेचारे निहत्थे हैं, आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्रैक्टिस क्या है, जैसे UP में 18% आबादी है मुस्लिम, 18% हो गया 19%, मगर एक अनरिटन सीक्रेट पॉलिसी है हमारे पूरे इंडिया में कि जो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे पुलिस है, आर्मी है, जो हथियारबंद संगठन, उसमें बहुत कम मुसलमानों को लो, जैसे UP पुलिस में मुश्किल से 2% मुस्लिम लोग हैं इन UP पुलिस, 98% पुलिस में ना हिंदू। और देखिए कहने को तो आपका सेकुलर कंट्री, संविधान में लिखा है इंडिया सेक्युलर कंट्री, ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। हकीकत यह है कि मोस्ट हिंदूज आर कम्युनल एंड मोस्ट मुस्लिम्स आर आल्सो कम्युनल, आप और हम एक्सेप्शन होंगे, बट द ट्रूथ इज मोस्ट हिंदूज आर कम्युनल एंड मोस्ट मुस्लिम, एंड बिकॉज 98% पुलिस मैन आर हिंदूज, तो ब्रॉडली आपकी पुलिस भी एंटी मुस्लिम। कहने का मतलब कि ये जुल्म होता है भाई, जो असल में गलत काम करे चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, मैं कहता हूँ उसको सजा दो, पकड़ो सजा दो, मगर आप एक तो आपको आता ही नहीं रियल कल्प्रिट को पकड़ना, क्योंकि क्रिमिनल आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सिखाया ही नहीं जाता है, उन्हें इक्विपमेंट है आपके पास, और दूसरा मोस्ट पुलिस मैन आर हिंदू, तो उनको ये है कि ये मुसलमान ही होगा, सब जो क्राइम होते हैं यही करते हैं, ये फैनेटिक्स हैं,
कट्टरवादी हैं और ये आतंकवादी हैं, पकड़ो इनको अंदर। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो लिहाजा ये ऐसा नहीं कि 2014 के पहले नहीं होता था जुल्म मुसलमानों पर, मगर थोड़ा सा कंट्रोल में रहता था, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी या सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, ये दे हैड टू डिपेंड ऑन मुस्लिम वोट्स, तो लिहाजा थोड़ा सा प्रोटेक्शन मुस्लिम को मिल जाता था। इतना बिल्कुल ब्लेटेंट जैसे अब हो गया है आफ्टर 2014, अब तो जो पहले लेटेंट था थोड़ा सा प्रोटेक्शन था मुस्लिम को, वो अब ओवर्ट हो गया, क्योंकि अब बीजेपी डजंट हैव टू डिपेंड ऑन मुस्लिम वोट, मुस्लिम देते नहीं वोट बीजेपी को, तो मुस्लिम कहते हैं टू हेल्प विद द, अब बीजेपी कहता है टू हेल्प विद मुस्लिम, हम तो फिर अब ये इधर जो इंसिडेंट्स हुए हैं मणिपुर में, हरियाणा में, और चुनाव आ रहा है 2024 में, तो देखिए ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि अब लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। मैं इसका देखिए गणित समझा दूं आपको, इसको समझिए। यहाँ पॉलिटिक्स चलती है लार्जली ऑन कास्ट एंड रिलीजन इंडिया में। अच्छा, बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो सॉलिड वोट बैंक है, इट इज हिंदू अपर कास्ट। हिंदू अपर कास्ट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, भूमिहार, इवन कास्ट ले लीजिए, ये कुल मिला के सब में जोड़ लो तो भी 18 या 20% होगा मैक्सिमम। मगर इलेक्शन जीतने के लिए यू नीड 31-32% वोट, 50% की जरूरत नहीं, क्योंकि अदर्स आर डिवाइडेड, मगर आपको 31-32% वोट मिल जाए तो चुनाव आप जीत सकते हैं, मगर 20% 18-20% पर नहीं जीत पाएंगे। तो अब क्या किया जाए, हिंदू अपरकाश तो सॉलिड वोट टस से मस नहीं रहेगा, जितना भी महंगाई हो, जितनी भी बेरोजगारी हो, पंडित जी तो घूम फिर के डाल देंगे। मैं भी पंडित हूँ बाय द वे, बट आई एम एन एक्सेप्शन, पंडित जी नहीं हिलेंगे और ठाकुर साहब भी नहीं हिलेंगे, वो जो भी हो जाए, देश सत्यानाश हो, वो कमल पे डालेंगे वोट। मगर मैंने बताया ना कि 18-20% से तो चुनाव निकलता नहीं है। अब बीजेपी के साथ समस्या है कि हाउ टू गेट अनदर ब्लॉक ऑफ 15% टू विन द इलेक्शंस। जैसे यूपी में जो ओबीसी हैं, कुल मिला के करीब 40% है। ओबीसी इज नॉट वन कास्ट, दे आर मेनी कास्ट। सबसे बड़ी यादव है जो 9-10% होगी, मगर उसके अलावा कुर्मी है जो 6-7% होंगे, लोध हैं, कई 20-30 जातियां हैं ओबीसी में। टोटल 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज ओबीसी। 9-10% जो यादव है वो तो सॉलिडली समाजवादी पार्टी में, वो नहीं जा सकता, कहीं हिलेगा। यादव जी तो पहले मुलायम सिंह के साथ थे, अखिलेश यादव के। मगर जो नॉन यादव ओबीसी थे, उसको बीजेपी ट्राइज टू विन ओवर। जैसे यादव वो कुर्मी में ऐसे है। अच्छा, तो ये इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि ये जो समाजवादी पार्टी है सिर्फ ये यादवों को हेल्प करती है, मदद करती है। जब पावर में आती है तो यादवों को दरोगा की पोस्ट या कलेक्टर की पोस्ट या कोई अच्छी अच्छी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, यादवों के लिए हम लोग को इग्नोर करते हैं। ये कुछ हद तक सही भी था, जो नॉन यादव ओबीसी थे उनमें ग्रीवेंस था कि साहब हमको तो इग्नोर किया जाता है, तो इसका फायदा उठाया बीजेपी ने, उनको कल्टिवेट किया। जैसे आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, केशव प्रसाद मौर्य है, केशव प्रसाद मौर्य, वो ओबीसी हैं, उनको विन ओवर किया बीजेपी ने। एक सेक्शन ऑफ ओबीसी वाज वन ओवर बाय बीजेपी, क्योंकि मैंने कहा ना वो सिर्फ हिंदू अपर कास्ट काफी नहीं है बीजेपी के लिए, दे मस्ट गेट अनदर ब्लॉक ऑफ 15%। तो वो एक सेक्शन ऑफ ओबीसी को उन्होंने कैप्चर कर लिया। थोड़ कुछ ज्यादातर एससी तो मायावती के साथ है, मगर एक सेक्शन शायद नॉन जाटव या क्या
वो भी बीजेपी के साथ हो गया। मगर ये जो जो ओबीसी और एससी बीजेपी में आ गए थे ये कोई रिलायबल नहीं है। अपर कास्ट हिंदू तो रिलायबल है, वो नहीं चक से मस होगा, ये इनका कोई मतलब निश्चित नहीं है कि ये रहेंगे हमेशा बीजेपी के साथ। तो कैसे निश्चित किया जाए, वो कम्युनल राइट से किया जाएगा। अगर कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता भड़काया जाए बड़ा लाश के हो, जैसे राम जन्मभूमि एजिटेशन हुआ था, तो सारे हिंदू जो अदरवाइज कास्ट बेसिस पे डिवाइडेड थे वो सब यूनाइट हो गए अगेंस्ट द कॉमन एनिमी दैट इज द मुस्लिम। तो ये कम्युनलिज्म को भड़काया जाएगा ताकि हिंदू जो अदरवाइज डिवाइडेड हैं कास्ट बेसिस पे वो सब यूनाइट हो जाएं। ये होने जा रहा है और मैंने तो ये आर्टिकल लिखा है कि बीजेपी विल विन द इलेक्शन अगेन, यही होगा, यही कराया जाएगा और इसकी शुरुआत हो गई है मणिपुर और हरियाणा से, अब और जगह भी फैलेगा। मैं ये सब आपको डिटेल्स बता रहा हूँ कि सब इस तरीके से मुल्क नहीं चल पाए, ये इस मुल्क को चलाना है एक ही तरीका है जो डेट वॉज द पॉलिसी ऑफ द ग्रेट एम्परर अकबर, मुगल एम्परर। देखिए मुगल एम्परर अकबर की दो पॉलिसी थी, एक तो फेल हो गई, दीन ए इलाही की कॉमन रिलीजन बनाना वॉज अ फेलियर, बट जो दूसरी पॉलिसी थी उसका नाम है सुलह ए कुल, विच मीन्स गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, सबको साथ लेके चलना, इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। और मुगल एम्पायर लास्टेड सो लॉन्ग बिकॉज इट वॉज इंक्लूसिव, सबको साथ लेके चलता था, यानी अकबर के सीनियर पोस्ट पे थे टोटल मल, ही वॉज लाइक द फाइनेंस मिनिस्टर जो आज का निर्मला सीतारामन है, ही वॉज द निर्मला सीतारामन ऑफ अकबर, फाइनेंस मिनिस्टर सारा कंट्रोल करता था, और आर्मी जनरल्स थे ये बीरबल और मानसिंह वगैरह, देवर बड़े ऊंचे अहदे पे रखा और बड़ा रिस्पेक्ट देता। मेरा एक जजमेंट हुआ हिंसा विरोधक संघ वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरेश जमात, ये पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने अकाउंट बहुत लंबा जजमेंट दिया, उसमें ये भी लिखा कि अकबर सब मजहब के लोगों को रिस्पेक्ट देता था। और आज भी जाइए वहाँ एक बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी में जिसका नाम है इबादत खाना, आप तो गए हैं कभी, तो वहाँ क्या होता था हर मजहब के लोग स्कॉलर थे, हिंदू मुस्लिम सिख जैन पारसी क्रिश्चियन आके डिबेट करते थे, अपने अपने मजहब की अच्छी बातें बताते थे पीसफुली शांत। ऐसी बिल्डिंग दुनिया में आपको कहीं मिलेगी नहीं, दुनिया में नहीं मिलेगी जैसा इबादत खाना कि सब रिलीजन्स के लोग आज स्कॉलर आके डिस्कस कर रहे हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ और सिर्फ अकबर ने किया। तो ये जो पॉलिसी थी अकबर की सुलह कुल की, इसके इसी की वजह से ये मुगल अंपायर इतने सालों तक चला, लोग इसको एक्सेप्ट करते थे, कोई ग्रीक किसी को तकलीफ नहीं थी, सबको रिस्पेक्ट दिया जाता था। वो यही तरीका है चलाने का इस मुल्क। हम लोग ने बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग के मेंबर हो जाइए उसकी, उसका नाम है इबादत खाना। ये मैंने बनाया जब मैं अमेरिका गया था कैलिफोर्निया में, मेरी बेटी तो एक तसव्वुर जलाली हैं, वो कश्मीरी हैं जो माइग्रेट कर गए थे अमेरिका, वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमटेक किया, और बहुत बड़ी बिजनेस है उनकी इन कैलिफोर्निया सैन होजे। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि, तो मैंने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना ज़रूरी है जिसमें सबको साथ लेके चलना। तो आजकल ये जो काले बादल मंडरा रहे हैं हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म का, ये बड़ा खतरा है, यानी जो इंडियन ट्रेन हैज टू बी अगेन सेट बैक ऑन द करेक्ट ट्रैक्स, डिरेल हो गई है। तो हम लोगों ने इबादत खाना बनाया, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज, इसमें चेयर मैं तो पेट्रन हूँ, चेयरमैन है तसव्वुर जलाली, मैं इनका ईमेल आईडी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, और वाइस चेयरमैन है इरफान अली जो प्रिंसटन में रहते हैं, वो यहाँ मेरठ के थे मगर वो भी 20 साल से अमेरिका में है, प्रिंसटन न्यू जर्सी, वो भी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, और नरेंद्र सिंह ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी, बहुत सारे
लोग हैं इबादत खाना, बहुत सारे, अगर आप YouTube पे जाइए और टाइप करिए इबादत खाना, IBAADAT खाना, उस पर आपको बहुत सारे मिलेंगे। हमारा जो इनॉग्रल फंक्शन हुआ था कैलिफोर्निया में और कई वीडियोस हुए, सेमिनार हुए हम लोग के, अभी भी होते रहते हैं। तो हमारा पर्पस है टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता का विरोध करना, क्योंकि ये मुल्क चल नहीं सकता सांप्रदायिकता में, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है कि आपको सबको साथ, जैसे अकबर की पॉलिसी थी, और उस तभी हम लोगों ने नाम रखा इस ऑर्गेनाइजेशन का इबादत खाना है, उसी बिल्डिंग के नाम पे। और बहुत बड़ा हमारा इनॉग्रल फंक्शन हुआ जिसमें आई वॉज द मेन स्पीकर। तो वी हैव टू सेट बैक द नेशनल ट्रेन ऑन द करेक्ट ट्रैक्स, तभी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, इफ यू हैव टू। अब मैंने आप काफी अपनी बात बता दी, अब आपको सवाल को पूछ। तो आप ट्रांजिशन पीरियड की जो बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन पीरियड की जो बात कर रहे हैं इंडिया की, फ्रॉम एग्रीकल्चर सोसाइटी टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो अब उसमें आपने स्पीच में मेंशन किया था कि वो मैक्सिमम 20 साल तक ये ट्रांजिशन चलेगा, और वो बहुत ही इंडिया के लिए मतलब सही नहीं होगा। तो ये जो आज का ये जो फ्रॉम 2011 टू 2023 यही ये वही ट्रांजिशन पीरियड है जिसकी आप बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं आपको इसको जरा समझा सो और गहराई में जाइए। देखिए, हमारी कंट्री में चलती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलता है ऑन कास्ट एंड रिलीजियस वोट बैंक्स। अच्छा, कास्टिज्म कम्युनलिज्म और फ्यूडल फोर्सेस, सामंती शक्तियां, जिनका विनाश हमें करना है। वी हैव टू डिस्ट्रॉय देम इफ वी विश टू प्रोग्रेस। मगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इनको और एंट्रेंस करती है और मजबूत करती है, क्योंकि इसी भी चलती है। अब जैसे चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का, आप देखिए शुरू हो जाएगा कम्युनलिज्म। और हिंदुस्तान में तो आप समझिए कितने 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी, कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है हर 6 महीने में, और हर 6 महीने के बाद सारे नेता नेशनल रीजनल सब कूद पड़ते हैं और वो कास्ट और रिलीजन पे सब होता है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा। देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। अब देखिए, रेवोल्यूशन कब होगा, कैसे होगा, कौन इसके लीडर्स होंगे, कितना समय लगेगा इसमें, ये कहना संभव नहीं है। यू कैन नॉट बी रिजिड अबाउट हिस्टोरिकल फॉर्म्स, हु विल बी लीडर्स, कब होगा। और अभी जो युग चल रहा है, देखिए बिफोर द रेवोल्यूशनरी पीरियड देयर इज द पीरियड ऑफ द आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, मगर उसके पहले कई मेनी डेकेड्स आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में। ग्रेट राइटर्स लाइक वोल्टेयर, रूसो, फ्रेंच एनसाइक्लोपीडिस्ट, दे वेज अ पावरफुल स्ट्रगल अगेंस्ट फ्यूडलिज्म एंड रिलीजियस बिगेट्री एक्सेट्रा, तब जाके रेवोल्यूशन हुआ। तो अभी इंडिया में रेवोल्यूशनरी पीरियड नहीं चल रहा है, अभी ये क्रांतिकारी दौर नहीं, अभी इट इज द पीरियड ऑफ द आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन। जो दौर चल रहा है ये रेवोल्यूशन का दौर नहीं है, एक्चुअल रेवोल्यूशन के पहले आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन होता है। तो वी आर इन द पीरियड ऑफ द आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन, जो दौर चल रहा है अभी। इसमें जो हथियार होंगे हमारे, वो बंदूक और बम और तलवार नहीं होगी, विचार होंगे, आइडियाज विल बी आवर वेपन्स, जैसे फ्रांस में हुआ बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। आप पढ़िएगा इसमें विल ड्यूरांट की बहुत सारी जो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है, कई वॉल्यूम उसमें, एक एक वोल्टेयर पे एक है और एक रूसो पे है, ये जो वोल्टेयर और दूसरा रूसो इन रेवोल्यूशन, ये पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने तो पंडित आदमी, हमारा काम 77 साल के हो गए, 10 साल की उम्र से रात दिन पागलों जैसे किताबें पढ़ना और फिर लोगों से डिस्कस करना, जिंदगी मेरी कड़ी। आई एम अ रियल पंडित, या आपके प्रोफेसर जो है ना, या JNU, ये बस नकली पंडित हैं,
जो चीजें मैंने आपको बता दी है घंटे भर में, ये 10 साल में इनको आते ही नहीं, बताएंगे क्या? तो वी आर इन द पीरियड ऑफ द आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन, द पीरियड विच इज गोइंग ऑन, और ये 10-15 साल मेरा अंदाज है, यू कांट बी वेरी रिजिड अबाउट इट, बट 10-15 साल और चलेगा। बड़ी उथल पुथल होगी इसमें, क्योंकि देखिए जो पुराना सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और नया सिस्टम अभी तक आया नहीं, दैट इज द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो जैसे अमेरिका में यूरोप में है, हम लोग कहीं बीच में अटके हुए हैं। दिस इज द ट्रांजिशन बिटवीन फ्यूडलिज्म एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और ये पीरियड बड़ा, जो ट्रांजिशनल पीरियड इज ऑलवेज अ वेरी पेनफुल पीरियड इन हिस्ट्री, बड़ी तकलीफ का पड़े, उसमें बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं, बड़ी खून खराबा होता है, बड़ा भयंकर पीरियड होता है, इट्स अ वेरी वेरी वायलेंट पीरियड, वेरी पेनफुल पीरियड, तब जाके वो ट्रांजिशन कंप्लीट होता है। क्योंकि देखिए ट्रांजिशन होता क्या, हिस्टोरिकल ट्रांजिशन मीन्स कि पुराने समाज को आप जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए और नया समाज बनाइए, ये क्या आसान चीज़ है? अब आपको मैं एग्जांपल दूँ, मुझे इनवाइट किया देहरादून यूनिवर्सिटी ने, कई यूनिवर्सिटी मुझे बुलाती हैं, तो कई तो मुझसे डरते हैं, आपका भी लगता है यूनिवर्सिटी डरती है मुझसे, खैर बुला लिया देहरादून यूनिवर्सिटी ने मुझे टू स्पीक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, आज से 2-3 साल पुरानी बात है, ये आप यूट्यूब में जाइए, जस्टिस काटजू देहरादून लिखिए, वो मिल जाएगा। तो बड़ा भारी हॉल में मीटिंग हुई, 300-400 कुर्सियां थी, खचाखच भरा, मैं भी एक क्राउड पुलर हूं, अगर अनाउंस हो जाए कि जस्टिस काटजू आ रहे हैं तो भीड़ आ जाएगी, जैसे अमिताभ बच्चन अनाउंस हो जाए, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं तो मेरा अनाउंस कर दीजिए एक दिन पहले से, तो यू आर अश्योर्ड ऑफ अ कैपेसिटी क्राउड, तो खचाखच भरा था, सारे यानी कुर्सियां सब भरी हुई थी, 150-200 लोग खड़े भी थे, 300-400 तो बैठे थे कुर्सियों पर, फ्रंट रो पे सारे प्रोफेसर, कोई PhD हार्वर्ड, PhD येल, PhD लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बढ़िया बढ़िया सूट और टाई, वो लेडी प्रोफेसर रंगीन साड़ियाँ पहन के, सेकेंड रो पे एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके पीछे सारे स्टूडेंट खचाखच सब भरे, लड़के लड़कियाँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने कही, वो देख लीजिएगा देहरादून में, आप मज़ा आएगा आपको, पूरा देखिएगा, मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, मैंने कहा देखिए ये जो बैठे हैं फ्रंट रो पे आपके प्रोफेसर, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का PhD, कोई लंदन स्कूल, और बढ़िया बढ़िया सूट, मैंने कहा अभी 2 मिनट में साबित कर दूंगा कि इनके खोपड़े में भूसा भरा, ये शब्द है मेरे, गोबर भरा, नो आई मेंट इट सीरियसली, आई सेड आई विल प्रूव इट इन 2 मिनट्स, मैंने कहा इनसे पूछे इनकी लड़की अगर किसी दलित लड़के से शादी करना चाहे तो राजी होंगे? एक नहीं राजी होगा, कई तो कत्ल करवा देंगे क्योंकि दलित को नीच मानते हैं। मैंने कहा मैंने साबित कर दिया कि कास्टिज्म भरा हुआ है आपके खोपड़े में, और कास्टिज्म इस गोबर या भूसा, मैंने कहा देखिए पूछ लीजिए इनसे, ये आई एम नॉट इम्प्रेस बाय योर PhD फ्रॉम हार्वर्ड एंड येल, द पॉइंट इज व्हाट यू हैव इन योर हेड, कास्टिज्म भरा हुआ। मैं गया था चीफ जस्टिस मद्रास हाईकोर्ट, सुनिए मैं कई किस्से आपको बता सकता हूँ मगर इतना टाइम नहीं, कहाँ पर आधी रात हो जाएगी, तो चीफ जस्टिस मद्रास होके गया, मेरे पास आए एक ऐसी शाम को कर्टसी कॉल, एक हाईकोर्ट जज जस्टिस कनकराज उनका नाम था, वो दलित थे, उनकी शादी 25-30 साल पहले हुई थी विद अपर कास्ट आई थिंक ब्राह्मण लड़की, लव मैरिज हो गई थी, तो मिसेस कनकराज ने मेरी वाइफ से बताया कि हमारी जब शादी हुई तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा क्रियाकर्म कर दिया, दे परफॉर्म माई फ्यूनरल राइट्स, और तब से मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा, मैं मर गई उनके लिए, ये आपका समाज है कि दलित को नीच मानते हैं, तो और ये पढ़े लिखे लोग, माइंड यू दीज आर प्रोफेसर्स, भाई इलिटरेट अनपढ़ आदमी को मैं माफ कर सकता हूं, बेचारे को ज्ञान नहीं, तुम लोग प्रोफेसर PhD हो हार्वर्ड से, जातिवाद कूड़ा भरा हुआ है,
वहां अमेरिका में भी जाते हैं, इनकी कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां, मैं कैलिफोर्निया में मेरी बेटी है, तो वहां एक क्रिकेट मैच हुआ। देखिए आंध्र प्रदेश में रेड्डीज बहुत बड़ी कास्ट है और कम्मा बहुत बड़ी कास्ट है, और रेड्डी और कम्मा में ऐसे, तो वहां क्रिकेट मैच हुआ इन कैलिफोर्निया बिटवीन अ क्रिकेट टीम ऑफ रेड्डीज एंड क्रिकेट। अच्छा, इनके ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड्डीज का जो ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में, उसका नाम है नाटा, नॉर्थ अमेरिका तेलुगु एसोसिएशन, और ये रेड्डीज का, और कम्मास का है टाना, तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसमें उसमें कम्मास। इन दोनों में क्रिकेट मैच हुआ, मैच के बीच में मारपीट हो गई, सब मैच वाज हैड टू बी अबैंडन्ड। ये यानी आप अमेरिका में रह रहे हैं इन अ हाईली मॉडर्न कंट्री, वहाँ तो जातिवाद छोड़ो, मगर वहाँ भी तुम अपना बैगेज लेके गए हो, वो निकलता नहीं खोपड़े से। अभी लॉज बन रही है कैलिफोर्निया में अगेंस्ट कास्ट, और मैंने उस पर आर्टिकल लिखा, ये नॉनसेंस है, बनाए लॉ कौन मानता है तुम्हारी लॉज, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है सब इक्वल है, मानते हैं आप दलित को नीच मानते हैं आप, तो ये बड़ा भारी रेवोल्यूशन के ही थ्रू ये चेंज आ पाएगा, जो ये सब बिग चेंजेस कैनॉट बी डन पीसफुली, ये क्योंकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं ओल्ड ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए, वो आसानी से परिवर्तन नहीं परमिट करेंगे, वो जी जान लगा देंगे कि जैसी परिस्थिति बनी है वैसी बनी रहे। तो एक क्रांति से ही ये ओल्ड सोसाइटी डिस्ट्रॉय होगी, इट विल नॉट बी डन बाय इलेक्शंस, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से नहीं होगा, इट विल रिक्वायर रेवोल्यूशन, बट रेवोल्यूशन कैसे आएगा अभी तो कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कैसे आएगा, कब आएगा, मैं 77 का हो गया, मेरे जीवन काल में तो नहीं होगा, मेरे कितने साल, कुछ साल और रह गए जीवन के, आप लोगों के जीवन काल में होगा, यू विल बी द लकी वन हु विल सी दैट डे, मगर वो बड़ा अच्छा एक अकाउंट है उसमें, टेल ऑफ टू सिटीज आपने पढ़ी है, डिकेंस की नॉवल, अच्छा उसके शुरू राइट इन द बिगिनिंग आता है कि एक डिफाज है और एक मैडम डिफाज है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो दे आर रनिंग अ वाइन शॉप, मगर वो सीक्रेटली दे आर रेवोल्यूशनरी आल्सो। तो एक दिन डिफाज बैठे हुए बड़े उदास, तो उनकी वाइफ में मैडम डिफाज ने पूछा क्यों उदास, बोले रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन आते ही नहीं है, सालों से हम उसके लिए क्रांति के लिए लड़ रहे हैं मगर वो आते ही नहीं है। तो मैडम डिफाज ने कहा कि तो इसमें उदास होने की क्या हुआ, तो डिफाज ने कहा कि देखो जब लाइटनिंग गिरती है, लाइटनिंग को हिंदी में क्या कहेंगे, बिजली गिरती है तो क्षण भर में गिरती है, तो रेवोल्यूशन में क्यों इतना टाइम लग रहा है। तो मैडम डिफाज ने कहा कि ठीक है क्षण भर में बिजली गिरती है, मगर वो बिजली बनाने के में कितना वक्त लगता है, पहले बादल उठे बंगाल से, महीनों से ट्रेवल करें, वो बादल आए ऊपर, फिर उनमें वो क्या रिएक्शन, इलेक्ट्रिक रिएक्शन हो, तब जाके बिजली गिर, आपने तो बिजली के गिरते देखा मगर वो उसके बनते कैसे, महीन जो बे ऑफ बंगाल से क्लाउड्स उठे और कैसे आए, या अर्थक्वेक आता एक क्षण भर में लाखों मकान गिर गए, लाखों लोग मर गए, मगर वो अर्थक्वेक बनाने में कितना वक्त लगता है, बीसों साल लगते हैं, धीरे धीरे आप पढ़िएगा जियोलॉजी कैसे कैसे वो बढ़ता है लावा उसमें। तो मैडम निफाज ने कहा देखो ये मत तुम एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें जीवन काल में तुम क्रांति देख लोगे, मगर तुम्हें संतोष होना चाहिए कि तुमने कंट्रीब्यूट किया उसके उसमें, चाहे होए तुम्हारे मरने के बाद, ये तुम्हारा रिवॉर्ड हो, रिवॉर्ड ये है कि तुमने कंट्रीब्यूट किया इसमें। तो कहने का मतलब बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, इसमें टाइम लगेगा, मैं तो चाहूँगा आज हो जाए क्रांति,
ऐसे नहीं होता। तो लिहाजा ये आप इम्पेशेंस से नहीं होता है, आप चाहें कि बड़ा बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, मैं भी नहीं चाहता हूं कि मुसलमानों पर जुल्म हो, किसी भी जुल्म नहीं होना चाहिए, मगर आपकी पॉलिटिक्स इसी पे चलती है, नफरत पे। मैंने तो बनाई नहीं है पॉलिटिक्स, मगर ये अभी चलेगी कैसा।